हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम एडवर्टाइजमेंट के जो है सारे चैप्टर देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट का जो बुक है SOL का, ओके, और इसमें चार चैप्टर है। तो मैं आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हो सारा चैप्टर बता रखा है, बट मैं इसी चैप्टर को अपने शॉर्ट्स नोट्स में समझाऊंगा आपको, तो उसमें आपको ईजी रहेगा, ओके। तो चलते हैं हम अपने नोट्स पे। तो आगे हम अपने नोट्स की तरफ, बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर का जो है सब्जेक्ट एडवर्टाइजमेंट, तो इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड इनका मीनिंग, कुछ भी पूछा जाए आप लिख के आ सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, द टर्म एडवर्टाइजमेंट बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्चर, ओके। एडवर्टाइजमेंट कहां से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड एडवर्चर से। अब एडवर्चर का मीनिंग क्या है, ओके। तो एडवर्चर का मीनिंग है विच मीन्स अट्रैक्शन ऑफ पीपल टूवर्ड द प्रोडक्ट सर्विस आइडिया, लोगों को अपने और अट्रैक्ट करना, क्या किस लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब वो प्रोडक्ट ही नहीं होता, क्या होता है, सर्विस भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है। तो आप पढ़ोगे आगे कि प्रोडक्ट सर्विस क्या होता है, आइडिया क्या होता है, ओके। तो लोगों को अपने और खींचना, मतलब हमने एक ऐसी चीज बनाया है कि लोग उसके, अगर हमें कोई चीज लोगों को दिखाना है और लोगों को उसके तरफ अट्रैक्ट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट जो इसका बेस्ट सोर्स है, ओके। तो यही लिख रखा है इस पॉइंट में, और कुछ लिख रखा है इसमें, एट द पास्ट एडवर्टाइजमेंट मीन्स अनाउंसमेंट बट नाउ इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने समय में क्या होता था, अनाउंसमेंट किया जाता था, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ओके। बट नाउ अभी क्या है, कम्युनिकेशन के तरह इसका यूज हो रहा है, ओके। लोगों को जो है कम्युनिकेट किया जा रहा है, मतलब लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है ताकि उस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदे, ओके। विद द यूजर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो मैंने बताया कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो एक कम्युनिकेशन है किसका, जो एडवर्टाइजमेंट बना रहा है और जो लोग उसको खरीद रहे हैं, दोनों के बीच का कम्युनिकेशन चल रहा है। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, ये हम किसी से मिलके थोड़ी, उन कंपनी वाले से थोड़ी मिल रहे हैं, हम शॉप पे जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओके। तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, ये हम टेलीविजन या रेडियो में सुन के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मीनिंग बता दो इसका और कैरेक्टरिस्टिक बता दो, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, एडवर्टाइजमेंट इज पेड अप फॉर बाय एडवर्टाइजर्स। अब एडवर्टाइजर्स कौन होता है, आपको पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट जितने भी होते हो पेड अप होता है, उनकी जो है पेमेंट किया जाता है, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट इज पेड अप फॉर द एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइजर्स जो, जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को बनाया, ओके। तो उसको जो है एडवर्टाइजमेंट को जिसने बनाया उसको क्या करना होता है, एडवर्टाइजमेंट वालों को पे करना होता है, तो ये फुली पेड अप है। और एडवर्टाइजमेंट इज इन टेलीविजन एंड रेडियो, मनी इज पेड फॉर सेकेंड। जैसे कि आपको पता होगा कि आप जितने बार उस एड को देख रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा हो पर सेकेंड में उसको पे करना होता है, जो जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को बनाया, ओके। तो पर सेकेंड, इफ द कम्युनिकेशन इज नॉट पेड फॉर देम इट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, अगर वो कम्युनिकेशन, मतलब जो जिसने एडवर्टाइजमेंट को बनाया उसके लिए पे नहीं करता कुछ पैसे, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट कह ही नहीं सकते, ओके। तो ये तो हो गया पेड फॉर्म कि एडवर्टाइज, पहला कैरेक्टरिस्टिक है पेड फॉर्म। दूसरे में चलते हम, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल मीन्स क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो पहले हम इतना समझते क्या लिखा है, ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है बायर एंड सेलर के बीच में। अब बायर एंड सेलर कौन है, बायर मतलब हम है जो हम खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और सेलर जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, जो उस कंपनी बना रहा है। तो हम जो उस कंपनी के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थोड़ी है, हम क्या करते हैं शॉप में जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ना कि उस कंपनी से कोई आता है और हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इस प्रोडक्ट को खरीदो, नहीं। हम कहाँ कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ओके। तो यही लिख रखा है इसमें, और इसको जो है इम्पर्सनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पर्सनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल को इम्पर्सनल भी कहा जाता है, ओके। तो हो गया दूसरा पॉइंट, तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। स्पॉन्सर कौन होता है, जो उस एडवर्टाइजमेंट को बनाने के मतलब जिसका जो प्रोडक्ट बनाता है, अब वो एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है, ओके। तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास जाता है और कहता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको हमें बेचना है। तो वो कौन बन गया, जो जिसने प्रोडक्ट बनाया वो हो गया स्पॉन्सर, उस एडवर्टाइजमेंट को कराने वाला, ओके। तो वही लिख रखा है मैंने, द स्पॉन्सर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनियां भी हो सकता है जो प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस देती है, और इंडिविजुअल भी कोई हो सकता है, विच इज पेइंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट, जो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करता है, ओके। तीन पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, मास मेडिएटेड। तो मास मेडिएटेड में क्या लिख रखा है मैंने, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट नॉट रीच टू अ वन ऑडियंस बट टू अ मास ऑडियंस। मैंने क्या मतलब इसका, इसका मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट बनाया जा रहा है वो एक स्पेशल ऑडियंस को नहीं दिखाया जा रहा, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में आ रहा है वो आपके टीवी में थोड़ी आ रहा है, वो
करोड़ों टीवी में आ रहा है, ओके तो एडवर्टाइजमेंट को करोड़ लोग देख रहे हैं, करोड़ों का मतलब मास हो गया, मास मतलब मास ऑडियंस उसको देख रहा है, ना कि इंडिविजुअल के लिए वो एडवर्टाइजमेंट बनाया गया, तो इसी का मतलब यही है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, आप पॉइंट में लिख सकते हैं इसको, इसको हमने फर्स्ट कर दिया, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। मास मेडिएटेड एक कम्युनिकेशन एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ओके मास मेडिएटेड क्या करता है, कम्युनिकेशन एनवायरमेंट बनाता है, और ये जो है मैसेज नॉट कम टू नॉट कम्युनिकेशन फेस टू फेस, तो जो कम्युनिकेशन है ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। मास मेडिएटेड एक कम्युनिकेशन एनवायरमेंट बनाता है, करोड़ों टीवी पे आता है, मतलब उसने जो है कम्युनिकेशन बनाया लोगों के साथ, एक एनवायरमेंट बनाया, और वो एनवायरमेंट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, फेस टू फेस नहीं है, फेस टू फेस तो है नहीं, हम उसको टीवी में देख रहे हैं, रेडियो में सुन रहे हैं, ओके तो ये लिख रखा है सेकंड पॉइंट पे। और थर्ड में क्या लिख रखा है, इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट वन टू वन कम्युनिकेशन, इट इज अ लार्ज ऑडियंस कम्युनिकेशन, तो इन अदर वर्ड्स में भी हम लिख सकते हैं कि ये वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं है, एक लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा, ये क्या लार्ज ऑडियंस के लिए है, कि ये प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है लार्ज ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है, ओके चार पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रमोशन है पांचवा पॉइंट, इसका मतलब क्या है, द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट बना रही है कंपनियां उसका मेन पर्पस क्या है, इज टू बी अट्रैक्ट पीपल और ऑडियंस टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज, लोगों को उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट बना रहा है उनका मेन मोटिव क्या है, लोगों को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, वो कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करेंगे। और प्रमोशन होगा, मतलब जो कंपनियां प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका प्रमोशन कैसे होगा, उनका ग्रोथ कैसे होगा, जब लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उस प्रोडक्ट को और सर्विस को जो भी हो उसको खरीदना चाहेंगे, तो उस कंपनी का क्या होगा, प्रमोशन। तो एक पांचवा पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट में मैंने क्या ले रखा है, नॉट जस्ट फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट, आपको टेंजिबल तो पता ही होगा, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो वही लिख रखा है इस पॉइंट पे। इट मींस एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ओनली फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट जो है टेंजिबल प्रोडक्ट के लिए ही नहीं है, टेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आप एड देखते हो टीवी पे कि एड आता रहता है कि मोबाइल ले लो, लिख रखा है मैंने लाइक मोबाइल, क्लोथ, और भी एड आते हैं, बर्तन ले लो, तो ये सब क्या टेंजिबल, उनको हम छू सकते हैं, उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाया जाता, बट ऑल्सो फॉर इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जिनको देख या छू नहीं सकते, जैसे क्या हो गया LIC सर्विसेज में क्या आ गया LIC, जैसे हमने LIC का एड देखा होगा, तो इंश्योरेंस का हो गया, पॉलिसीज, और भी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। एंड फॉर द आइडिया भी होता है, आप मैंने बताया था सर्विस और आइडिया आप पढ़ोगे आगे, तो सर्विस तो समझ गए, इंश्योरेंस पॉलिसीज और भी बहुत सारे सर्विस होते हैं, आइडिया क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फैमिली प्लानिंग जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो टूरिज्म का ऐड आता है, तो फैमिली प्लानिंग वाला हो गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है गवर्नमेंट के थ्रू होता है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करवाई जाती है, ओके तो इन सब का ऐड जो टीवी पे आता है तो उन्हीं के बारे में बताया गया इसमें। सेवन पॉइंट है क्रिएटिविटी, अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया है ही नहीं तो आप एडवर्टाइजमेंट बना ही नहीं सकते, एडवर्टाइजमेंट में मेन क्या चाहिए होता है, क्रिएटिव आइडिया, ताकि लोग जो उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैंने क्या लिख रखा है इसमें, एडवर्टाइजमेंट इज अ हग ऑफ आइडियाज एंड इमेजिनेशन, बिकॉज विदाउट द क्रिएटिव आइडियाज टारगेट ऑडियंस माइट नॉट पॉसिबल, अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं होंगे तो जो ऑडियंस जिनको हमें उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कराना है वो अट्रैक्ट होंगे नहीं, माइट नॉट पॉसिबल, वो अट्रैक्ट होंगे नहीं, ओके तो यही लिख रखा है मैंने। इसमें बहुत सारे आइडियाज और इमेजिनेशन की जरूरत होता है, और द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज अ यूनिक क्रिएटिव आइडिया, तो एडवर्टाइजमेंट का मेन एम ही क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, यूनिक आइडिया, ओके तो ये तो हो गया क्रिएटिविटी। एट पॉइंट क्या हो गया, मीडिया, द मीनिंग ऑफ मीडिया मीन्स वे ऑफ द कम्युनिकेशन, उस जो एडवर्टाइजमेंट को किस थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाए, तो इस मीडिया में बताया जाएगा कि किसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो मैंने लिख रखा है लाइक टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अब यूट्यूब जो है उस पर भी एड आते रहते हैं, तो यूट्यूब भी एक मीडिया है एडवर्टाइजमेंट को पहुंचाने का, तो मैंने लिख रखा है। एट पॉइंट हो गया। नाइन पॉइंट क्या कह रहा है, डस नॉट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, अब कोई एडवर्टाइजमेंट बनाता है तो उसका फीडबैक, मतलब जो जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाया अब उस प्रोडक्ट का फीडबैक इमीडिएट तो नहीं आने लगता, बहुत टाइम लगता है, तो ये पॉइंट लिख रखा है मैंने इस पे। इट इज नॉट अ पर्सनल कम्युनिकेशन, सो इमीडिएट फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, फीडबैक कम्स इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर परचेसिंग द प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इमीडिएटली, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कम्युनिकेशन, इट इज अ नॉट पर्सनल कम्युनिकेशन, ये अब हम किसी दुकान में जाके तो फीडबैक नहीं दे रहे, दुकान वाले को तो नहीं दे सकते, अब जो कंपनी उसको कैसे पता लगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, तो जब उसका प्रोडक्ट हाई बहुत ज्यादा बिकेगा, तो मैंने लिख रखा है इसका प्रोडक्ट जब हाई बिकेगा तो उसको पता चलेगा कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है मार्केट में, ओके
तो ये हो गया हमारा 9 पॉइंट, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।